नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रख्यात कथावाचक आचार्य प्रेम भूषण जी महाराज ने कहा कि भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा की पूरी दुनिया कायल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्ति निरामया भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र की महिमा है कि किसी भी संकट में पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। शनिवार को जमुआ के परगोडी स्थित मिर्जागंज खरगडीहा गौशाला परिसर में नवनिर्मित गौशाला भवन का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए आचार्य जी ने कहा कि गौ माता की रक्षा करना हर हिंदू धर्मावलंबियों का पहला धर्म है। आज हमारे धर्म को कुछ लोग बांट रहे हैं। हम सभी अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आने की आवश्यकता है। कहा, गौ सेवा मानवीय संवेदना और कर्तव्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति एक घटक है, इसी घटक से परिवार, समाज, देश और दुनिया का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, यहाँ तक कि हम अपने स्वर्गीय माता पिता की बरसी मनाते हैं। क्यों नहीं ऐसे आयोजन गौशालाओं में मनाया जाए। गौ भी हमारे परिवार का हिस्सा है। कार्यक्रम को स्थानीय विधायक केदार हाजरा ने कहा कि गौशाला परिसर को पर्यटक स्थल बनाने के लिए हमने विधानसभा की सत्र में प्रश्न रख चुका है। यह भूमि की महक देश विदेशों तक जाने लगी है, जो आज हमारे गुरुजन आचार्य प्रेम भूषण महाराज की कदम पड़ा है। कार्यक्रम को स्थानीय विधायक केदार हाजरा ने कहा कि गौशाला परिसर को पर्यटक स्थल बनाने के लिए हमने विधानसभा की सत्र में प्रश्न रख चुका है। यह भूमि की महक देश विदेशों तक जाने लगी है, जो हमारे गुरुजन आचार्य प्रेम भूषण महाराज की कदम पड़ा है। इनके कदम पड़ने से इस गौशाला परिसर के विकास के द्वार खुलने का संकेत दे रहे हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित गाति कृपाल, करत चरित धरि मनुज ठन, अंत मिटि ही जग जान। विप्रधेन सुर संत हित प्रभु लीन मनुज अवतार, विप्र गौ माता देवजन मुनिजन साधुजन, इनके लिए भगवान ने अवतार दिया। इन चार मान बिंदुओं में एक को भी अपना मानकर सेवा करोगे तो तुम्हारा लोक और लोक दोनों सुधरेगा। हमने ये पकड़ लिया है और हम घर सेवा कर ले। घर से बोल अकेले आदमी घर से बोलना। गौशाला के 100 साल हो रहा है,